महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने आगामी विश्व कप को लेकर भारतीय टीम को आगाह करते हुए कहा है कि आईपीएल शुरू हो रहा है लेकिन श्रृंखला की हार को नहीं भूलना चाहिए क्योंकि विश्व कप में हमारा ऑस्ट्रेलिया से सामना हो सकता है। तीसरे वनडे में हार ऑस्ट्रेलिया टीम के दबाव से मिली थी। भारतीय बल्लेबाज चौके और छक्के नहीं लगा पा रहे थे और सिंगल लेने में भी असमर्थ थे। ऐसे में क्या होता है कि आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और विकेट गंवा देते हैं। गावस्कर ने कहा, जब आप 270 या 300 के आसपास के लक्ष्य का पीछा करते हैं तो आपको 90 या इससे ज्यादा रन की साझेदारी की जरूरत होती है ताकि हम लक्ष्य के करीब पहुंच सके, लेकिन यह भारतीय बल्लेबाजों ने नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग भी शानदार रही और गेंदबाजी भी अच्छी थी, यही अंतर दोनों टीमों के बीच रहा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत ने पहला मैच जीतकर शानदार शुरुआत की थी लेकिन दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया की शानदार गेंदबाजी के चलते टीम इंडिया 10 विकेट से हार गई। तीसरे मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर रही लेकिन अंत में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन कर मैच और सीरीज अपने नाम की। इस सीरीज में भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह फ्लॉप रहे। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।